नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल एन क्रिकेट सेंटर में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक यूनिक खबर हम इस वक्त आपके लिए लेकर आए हैं। साउथ अफ्रीका ने क्रिकेट वापसी की सारी तैयारियां कर ली हैं। साउथ अफ्रीका में आपको बता दें, एक खास तरह का टूर्नामेंट आयोजित कराया जा रहा है। ऐसा टूर्नामेंट कराया जा रहा है जो जिस तरह का टूर्नामेंट अभी तक दुनिया में कहीं नहीं खेला गया है। जी हाँ, आपको बता दें, इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच होगा और इस एक मैच में तीन टीमें खेलेंगी। आपको बता दें, इस टूर्नामेंट का थोड़ा सा फॉर्मेट हम बना देते हैं। इसमें तीन टीमें हिस्सा लेंगी। पहली टीम का नाम ईगल्स होगा, दूसरी टीम का नाम किंगफिशर होगा और तीसरी टीम का नाम काइट्स होगा। ये तीन टीमें हिस्सा लेंगी, जिसके कप्तान होंगे एबी डिविलियर्स, केगिसो रबाडा और क्विंटन डिकॉक। ये तीन खिलाड़ी इन टीमों तीनों टीमों के कप्तान होंगे। आपको बता देते हैं किस तरीके से ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। 36 ओवर का एक मैच खेला जाएगा और इस एक मैच में तीन टीमें हिस्सा लेंगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी एक मैच में तीन तीन टीमें हिस्सा लें। आपको थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस इस टूर्नामेंट के बता देते हैं। थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा समझने में मुश्किल है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं हल्के हल्के तौर पर कि किस तरीके से टूर्नामेंट खेला जाएगा, किस तरीके से सब टीमें बल्लेबाजी करेंगी। आपको बता दें सबसे पहले कि 36 ओवर का एक मैच होगा। इस मैच में तीन टीमें हिस्सा लेंगी। पहली टीम का नाम काइट्स है, दूसरी टीम का नाम किंगफिशर्स है और तीसरी टीम का नाम ईगल्स है। आपको बता दें, एक टीम को छह ओवर बल्लेबाजी करनी होगी और एक टीम दो पार्ट में बल्लेबाजी करेगी। छह ओवर बल्लेबाजी करेगी, फिर दूसरी टीम आएगी बल्लेबाजी करने छह ओवर करने के बाद, फिर तीसरी टीम छह ओवर बल्लेबाजी करेगी। जब पहले तीन टीमें छह ओवर बल्लेबाजी करने आएंगी, उसके बाद दोबारा से सेकेंड राउंड शुरू होगा, जिसमें फिर वही एक दूसरे के खिलाफ, पहले जैसे मान लीजिए ईगल्स के खिलाफ पहले किंगफिशर को बल्लेबाजी करनी होगी और फिर किंगफिशर को तीसरी टीम के खिलाफ बल्लेबाजी करनी होगी काइट्स के खिलाफ। तो इस तरीके से दोनों टीमों के खिलाफ छह ओवर खेलेंगे और इस फॉर्मेट में आपको बता दें कि सिर्फ आठ खिलाड़ी ही हिस्सा ले सकेंगे एक टीम में और सात खिलाड़ी बल्लेबाजी कर सकेंगे। और एक यूनिक चीज़ और आपको बता देते हैं कि सात खिलाड़ियों के आउट होने के बाद आठवां खिलाड़ी अकेले बल्लेबाजी कर सकता है इस टूर्नामेंट में। और उस बल्लेबाज को इवन नंबर्स में रन बनाने होंगे, 2, 4, 6 इस तरीके से उसको नंबर बनाने के। ना वो एक रन बना सकता है, ना वो तीन रन बना सकता है, ना वो पांच रन बना सकता है। तो 2, 4, 6 में उसको रन बनाने होंगे। सात विकेट गिरने के बाद आठवां बल्लेबाज अकेले बल्लेबाजी कर सकता है। और आपको बता दें, एक पारी में सिर्फ एक गेंदबाज तीन ओवर से ज़्यादा गेंदबाजी नहीं कर पाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा चार गेंदबाजों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक गेंदबाज तीन ओवर से ज़्यादा गेंदबाजी नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा अजीब फॉर्मेट है, थोड़ा अजीब लग रहा है। और आपको बता दें, इस एक मैच के बाद डिसाइड किया जाएगा कि जिस टीम के सबसे ज़्यादा रन होंगे वो गोल्ड मेडल जीतेगी, जिस टीम के सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा रन होंगे वो सिल्वर मेडल जीतेगी और तीसरे नंबर की टीम ब्रॉन्ज मेडल जीतेगी। तो एक बहुत बड़ा, बहुत अजीब टाइप का टूर्नामेंट कराया जा रहा है। इस टूर्नामेंट का नाम थोड़ा अजीब सा रखा है, एक्सपेरिमेंटल टूर्नामेंट है, जिसको बहुत सेंचुरियन में ये मैच खेला जाएगा। 27 जून को सेंचुरियन में मैच खेला जाएगा। आपको बता दें, जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना महामारी हर जगह दुनिया के हर देश में फैली हुई है, तो क्रिकेट भी इससे छूता नहीं है, क्रिकेट भी लगातार अफेक्टेड रहा है। तो जिसकी वजह से अब साउथ अफ्रीका कोशिशें कर रहा है कि किसी तरीके से टूर्नामेंट चालू कराया जाए, तो इसकी वजह से साउथ अफ्रीका ने अब टूर्नामेंट को शुरू किया है। 27 जून को ये एक्सपेरिमेंटल टूर्नामेंट है, वन डे टूर्नामेंट खेला जाएगा, वन मैच टूर्नामेंट भी आप इसको कह सकते हैं, जिसमें तीन टीमें हिस्सा लेंगी। तो तैयार हो जाइए एक धमाके के लिए। आपको और भी अगर इससे इस मैच से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हम आपको उसके बारे में ज़रूर बताएंगे कि किस तरीके से ये टूर्नामेंट होगा और किस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। तो बहुत ही आपको पहली काफ़ी वक्त के बाद एबी डिविलियर्स खेलते नजर आएंगे। आईपीएल में खेले थे, उसके बाद से कोई मैच नहीं खेले हैं। एबी डिविलियर्स खेलेंगे, क्विंटन डिकॉक की एक टीम होगी और तीसरी टीम केगिसो रबाडा की। तो तीनों धमाकेदार खिलाड़ी हैं, तीनों ही बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े अहम खिलाड़ी हैं साउथ अफ्रीका टीम के। तो एक बड़े टूर्नामेंट के लिए तैयार हो जाइए। देखते हैं इस टूर्नामेंट में क्या होगा और किस तरीके से चीज़ें होंगी। ये शायद लाइव भी आएगा, आपको जल्द जानकारी देंगे कि किस चैनल पर, टीवी चैनल पर ये लाइव आएगा। तो बहुत ही रोमांचक मैच होगा, तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक क्रिकेट के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम इसी तरह की और भी रोचक और ज्ञानवर्धक खेल से जुड़ी हुई खबरें आपको देते रहेंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है ट्रिपल एन क्रिकेट सेंटर।